कपूर खानदान की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 7 महीने में 2 सदस्यों का इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाना ये वाकई सबसे बड़ा दुख है कपूर खानदान के लिए। लेकिन ऐसे में जहां हाल ही में 9 फरवरी के दिन रणधीर कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर ने दुनिया को कहा अलविदा, तो वही एक और बुरी खबर कपूर खानदान को लेकर सामने आ गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि जहाँ कपूर खानदान अभी तक इस सदमे से उभरा भी नहीं था, तो वहीं ईडी का शिकंजा कस चुका है। खबरों की माने तो ईडी ने राजीव कपूर के भांजे अरमान जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर उसे नोटिस भेजा है। अरमान रणबीर कपूर के चचेरे भाई यानी कि ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर की बहन रीमा जैन के बेटे हैं। ईडी ने मंगलवार को उनके मामा राजीव कपूर के निधन के कुछ घंटे पहले ही अरमान को मुंबई वाले ऑफिस पर छापा मारा था, घर पर छापा मारा था। जांच के दौरान ईडी ने कई निजी फर्म्स और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अरमान जैन से जुड़े लिंक और सबूत मिले हैं। खबरों की माने तो ईडी ने कुछ घंटों तक तलाशी ली थी। छापा खत्म होने के बाद अरमान जैन को अपने मामा के अंतिम संस्कार के लिए जाने की भी अनुमति दी थी। बता दें कि मामले में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक को भी ईडी ने नोटिस भेजा है। बता दें कि उनके दोनों बेटों पूर्वेश सरनाइक और विहंग सरनाइक को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि ईडी को निजी फर्म टॉप सिक्योरिटी ग्रुप और सरनाइक के बीच कुछ लेन देन के सबूत मिले हैं। इसके बाद 24 नवंबर को प्रताप सरनाइक के घर पर फर्म और ठिकानों पर छापेमारी के 5 घंटे तक पूछताछ की गई थी। मामले में टॉप सिक्योरिटी ग्रुप और प्रमोटर और सरनाइक के करीबी अमित चंदेल को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। तो यह है पूरी खबर जहां पर राजीव कपूर के भांजे अरमान मलिक पर कसता जा रहा है ईडी का शिकंजा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर। देखना अब ये होगा कि आखिर इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले से खुद को कैसे बचाएंगे राजीव कपूर के भांजे अरमान जैन। नेक्स्ट 9 लाइव से रोशनी की रिपोर्ट।